शुरू में जब इस मार्केट में एंटर किया था मेरे को लग नहीं रहा था इतनी बड़ी मार्केट होगी, लेकिन काफ़ी बड़ी मार्केट है। मैग्नेट मैग्नेट वन स्केचिंग ओके तो यहाँ पे कपड़ों की दुकानें दिख रही है भाई स्टार्टिंग में, और यहाँ पे ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे मंदिर भी बनाए हुए हैं। हेलो हेलो हाउ आर यू लुकिंग यस हैव लुकिंग या या लुकिंग गिफ्ट प्राइस फॉर यू तो जो टी शर्ट मैंने अभी आपको दिखाई है यहाँ पे 250 से 300 रुपए की पड़ जाती है, और इन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो थोड़ा और बार्गेन भी हो जाएगा। चलो पहले आगे की तरफ देखते हैं और कपड़ों की मार्केट के अलावा और किस तरह की मार्केट है यहाँ पे ये देखा जाए। यहाँ एशियन कंट्री में स्पा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अंकल नौ बैक टू बैक रेस्टोरेंट भी हैं, और यहाँ पे दोबारा एक कपड़ों की मार्केट आ गई है। अंग्रेज़ों की तादाद यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेंगी, बहुत टूरिस्ट आते हैं, इंडियन भी काफ़ी आते हैं। कल मैं उलुवातु टेंपल में गया था तो वहाँ पे भी काफ़ी इंडियंस आए हुए थे भाई, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, मैं तो बड़ा खुश हो गया यार। भाई मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरह के क्लब, इस तरह के आइटम भी यहाँ से खरीद सकते हैं। मुझे भी खरीदने इस तरह के आइटम, बट खरीदूंगा लास्ट में। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह की हैट्स भी हैं, अगर पता होता इस तरह की कैप्स और हैट्स अवेलेबल हैं तो घर से खरीद के नहीं आता। काफ़ी बड़ी मार्केट है भैया, शुरू में जब इस मार्केट में एंटर किया था मेरे को लग नहीं रहा था इतनी बड़ी मार्केट होगी, लेकिन काफ़ी बड़ी मार्केट है, और फाइनली अब ये ख़त्म होने को है। तो ये सब है यहाँ पे, अगर मैं स्टेप बाई स्टेप आपको सारी शॉप्स के बारे में यहाँ पे बताऊँ तो आपको आपको गुलाब बाग कपड़ों की मार्केट और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एंटीक सी चीज़ें मिल जाएंगी जिसे आप अपने घर पे ले जा सकते हैं। बैग भी यहाँ पे तरह तरह के आपको मिल जाएंगे, एटीएम, मनी एक्सचेंजर सब है भाई यहाँ पे। तो टोटल मिला के मैं, और स्पा पार्लर भी भूल गया मैं, यहाँ पे स्पा पार्लर भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो मैं लास्ट टाइम जब रहूँगा आखिरी के एक दो दिन से ज़रूर यहाँ पर स्पा में आऊँगा, क्योंकि तब तक मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँगा, तो मुझे डेफिनेटली एक मसाज की ज़रूरत रहेगी। फिलहाल तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं मार्केट। Can I see this? Yes. Okay. इस तरह के सर्फिंग बोर्ड हैं यहाँ पे। अच्छा, what is the charges for this? Charges? How much for this? How many? I will take around 20. 20 pieces. Yeah. For one, this 20 is for one. For one is 20,000. 20 IDR. 20,000. Rupiah. One. Okay, one for 20,000. Yeah. Or and 20. तो इस तरह के जो सर्फिंग बोर्ड यहाँ पे अभी मैं दिखाया आपको, ये बता रहे हैं आपको एक पड़ जाएगा 20,000। ये इस तरह के सर्फिंग बोर्ड सेम प्राइस ऑल सेम।
मैग्नेट मैग्नेट वन इसकी चेन ओके इसकी रिंग ओके थोड़ा और बार्गेनिंग करने लग गया था वो मेरे को 1,20,000 करेंसी में 20 वो सब बोर्ड जो होते हैं उसकी कीचेन पकड़ा रहा था लेकिन मैंने फिलहाल तो नहीं लिया क्योंकि अभी इनिशियली हूँ मैं जो अच्छी डील मिलेगी वो ही लूँगा भाई हो guy from the shop he just searching my YouTube channel main ko subscribe karata hu uske baad connect karta hu to jaise aapko maine pehle hi bataya yahan pe kapdon ki market bahut zyada hai uske alawa shop bhi hain tarah tarah ki aur kafi friendly log hain yahan pe jo bhi mil raha hai wo bahut acche se baat kar rahe hain mujhse to koi bhi bad experience to abhi tak maine face nahi kiya lekin karunga to definitely main aapko bataunga फ़ोटो फ्रेम हैं यहाँ पे ये फ्लैग्स लगे हुए हैं पता नहीं किस चीज़ के हैं भाई यहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें घर पे ले जाने के लिए खरीदना चाह रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको मैंने कई आइटम देखे हैं कपड़ों के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कैरी करके ले जा सकते हो और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो चीज का बना है भाई पत्थर का बना हुआ है भाई ऐसी कारीगरी यहाँ पे बहुत जगह मैंने देखने को मिली है बड़े स्केल पे भी और छोटे छोटे स्केल पे भी मतलब शॉप वॉप के बाहर इस तरह की आप स्टैचू देखेंगे लेकिन कुछ एंटिक स्टैचू भी बने हुए हैं जैसे कि यहाँ पे है गरुड़ा का जो कि बताते हैं कि हिंदू धर्म का सबसे टॉलेस्ट जो भगवान का स्टैचू है वो वही है पता नहीं 120 मीटर का अभी मौका तो नहीं मिला जाने का और आज तो मेरे को आज मेरा कोई और ही प्लान है लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे दिन हैं मेरे पास एक आध दिन निकालूंगा उस जगह जाने के लिए तो ये थी लीजेंड मार्केट इसे लीजेंड पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं लेकिन प्रोनाउंस पता नहीं किस तरह से करते हैं ये थी वो मार्केट अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है और अब वापस अपने होटल की तरफ जाने का टाइम हो गया थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पे यार चलो फिर अभी मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो भाई टाइम हो गया है जाने का ताना लॉर्ड टेम्पल एंड आई एम व्लॉगिंग इफ यू डोंट माइंड इफ आई व्लॉग यू इज माई स्पेनिश ब्रदर योर नेम इज दोरो ओके तो ये भी हमारे साथ ताना लॉट में जा रहे हैं इनकी ये स्कूटी है हमने हेलमेट पहन लिए और जाने की तैयारी करीब 1 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहे हैं एंड आई विल बी देयर विद माय ब्रदर ओके चलो फिर वहाँ पे मिलते हैं Where we go? Where the entrance puts up? Here? Yeah. Okay. Where are you going? Tana Lot. But you have to buy ticket. You have to buy ticket. So I'll buy the ticket. 75% per person. Can you take out my bag?